हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और आज क्लास 12th में लेक्चर 67th है ये हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 टू 10 पहले 10 क्वेश्चंस में आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट सम क्या है x2 3x डेरिवेटिव निकाला x2 का 2x और 3x का 3 डबल डेरिवेटिव निकाला अब इसका डेरिवेटिव दोबारा से क्या आएगा टू ठीक है सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्स की पावर ट्वेंटी का डेरिवेटिव होता है एन आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है तो ट्वेंटी आगे, 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 आगे आ गया और एक पावर कम होगी डबल डेरिवेटिव निकाल दें फिर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी आगे आएगी तो नाइनटीन आगे ट्वेंटी भी है तो इनकी तो मल्टीप्लाई कर देंगे आ गया आपके पास 380 एटी एक्स की पावर 18 ठीक है सिंपल सही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड x x cos x. तो डेरिवेटिव कर दे, u into v से u से होगा डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा बन डेरिवेटिव हमने कर दिया अब डबल डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे करें u into v से इसका डेरिवेटिव और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x u into v से माइनस बाहर ले लेते हैं u as it is डेरिवेटिव ऑफ v v as it is डेरिवेटिव ऑफ u sin का डेरिवेटिव cos और x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x तो पर बाहर माइनस का साइन है तो दोनों ही टर्म आपके पास किसकी आ जाएंगी माइनस की साथ में क्या है माइनस साइन एक्स भी है अब माइनस का साइन x माइनस का साइन x ये क्या आ गया माइनस का टू साइन एक्स सिंपली हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बिल्कुल पहले यू एन टू वी से किया फिर फंक्शन बना फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है लॉग एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव डायरेवेटिव अपॉन एक्स का डिवेटिव माइनस में वन अपॉन एक्स किया बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए एक्स की पावर थ्री लॉग एक्स साफ साफ दिख रहा है यून टू वी से होगा डेरिवेटिव करते हैं यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी

टू एक्स प्लस में थ्री लॉग एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए टू एक्स जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए रिमेनिंग क्या आ जाएगा आपके पास आंसर ये क्या बनेगा आपके पास टू एक्स प्लस में थ्री यहाँ पे कट जाएगी टर्म क्या बचेगा एक्स प्लस में टू एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट को हम खोल सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस में सिक्स एक्स log x और क्या सिंपलीफाई होगा? इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, 5x प्लस में 6x log x ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया. सिंपली u into v से डेरिवेटिव किया, जो सिंपलीफाई हो सकता था उसको कर दिया. फिर u into v से इसका क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया क्योंकि इस टर्म का तो इजीली हो गया. अगेन टर्म आपके पास u into v की बन रही थी u v का फॉर्मूला लगाया डेरिवेटिव कर दिया जिससे टर्म कट रही थी काट दी बाकी और सिंपलीफिकेशन कर दिया और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच गए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स e की पावर x sin 5x डेरिवेटिव करें u into v से होगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u

साइन 5x का डेरिवेटिव कॉस 5x और फिर 5x का डेरिवेटिव 5 इ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है इ e की पावर x अब आपके पास क्या है ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लीजिए 5 और 5 के मल्टीप्लाई 25 इ e की पावर x साइन 5x 5 इ e की पावर x कॉस 5x 5 इ e की पावर x कॉस 5x इ e की पावर x साइन 5x सेम सेम टर्म्स थी उनको कर दिया अब कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया रिमेनिंग आपके पास क्या गया? आ गया आपका आंसर आ गया सिंपली हमारे पास फंक्शन था हमने यू इन टू से उसका डेरिवेटिव किया फिर डेरिवेटिव का भी हमने क्या कर दिया दोबारा डेरिवेटिव कर दिया कैलकुलेशन पार्ट था जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो किया एंड में जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया और ये आपका क्या गया? आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन e की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स डेरिवेटिव कर दें यू इन टू वी से होगा माइनस साइन थ्री एक्सर फर्दर थ्री एक्स का डेवेटिव पर क्या जाएगा थ्री e पावर सिक्स एक्स का डिटिवी e पावर सिक्स एक्स और फिर सिक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 6 तो ये आपके पास क्या गया डीवाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स का भी डेरिवेटिव माइनस थ्री कॉमन ले लिया यू एज इज डेटिवी एज इज डेटिव प्लस में कॉमन लिया u into v से v, v दीजिए साइन का डेरिवेटिव कॉस और थ्री एक्स का डेवेटिव थ्री e की पावर x का e पावर x और फर्दर जो ये सिक्स एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हुआ सिक्स cos 3x का डेरिवेटिव माइनस -sin 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ 3 e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x और फिर 6x का डेरिवेटिव क्या बना है 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम सेम टर्म्स को ऐड कर देंगे और अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन ले लेंगे और ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया सिंपली डेरिवेटिव जैसा अब तक करते आए थे बहुत इजी से u v से डेरिवेटिव कर रहे हैं फिर जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर रहे हैं फिर अगेन यू इंटू वी से डेरिवेटिव हो रहा है सेम सेम टर्म्स को ऐड कर दिया या माइनस कर दिया फिर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर और अब देखिए नेक्स्ट सम हैंजेंट इनवर्स एक्स डेरिवेटिव करेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क् फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं हमें साफ साफ दिख रहा है यू अपॉन वी से होगा वी का स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज आर डेवेटिव ऑफ वी तो v का स्क्वायर v ऊपर स्कूल माइनस यूज का डेरिवेटिव का अब 1 डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म है जीरो बनेगा मतलब ये टर्म तो आपके पास जीरो बन चुकी है माइनस में वन और वन प्लस एक्स स्क्का अगर डेरिवेटिव करें तो ये क्या बनेगा टू एक्स तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव पहले इसका डेरिवेटिव करें लॉग एक्स का मतलब 1 upon में X. और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव में एक्स तो ये बन गया 1 upon में X log X. ये तो सिंगल डेरिवेटिव अभी आया है डी वाई बायस आया है अब निकालेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्स डेरिवेटिव निकाल दे साफ साफ दिख रहा है यू अपॉन वी से वी v का डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी वन का डेरिवेटिव 0 तो ये टर्म तो आपके पास 0 बन गया यहाँ पे कर देते हैं डेरिवेटिव u into v से u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u log x का डेरिवेटिव 1 x और x का डेरिवेटिव क्या आया 1 बाहर माइनस है तो दोनों ही टर्म किसकी होगी आपके पास माइनस की 1 से 1 कैंसिल आउट -1 log x upon x log x का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया और ये आपके पास आंसर आ गया और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर टेन साइन लॉग एक्स ये वाई है तो डेरिवेटिव कर दें साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बना वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स कॉस लॉग एक्स डबल डेरिवेटिव करें यू अपॉन में वी से वी का स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू

हमने डायरिवेटिव करे सिंपल से फॉर्मूले से साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर लॉग एक्स का कर दिया है फिर हमें साफ साफ ये यूपोन की फॉर्म में दिख रहा था तो डबल डेरिवेटिव हमने U v की फॉर्म से कर दिया ये हमारा आंसर आ गया इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के केवल टेन क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स हैं वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू